हेलो दोस्तों, ऐसा क्या है जो आपकी सोच को नतीजों में बदल सकता है, हमारे सपनों को सच कर सकता है, अपनी लाइफ को बढ़िया बेहतर बना सकता है? वो सिर्फ और सिर्फ यही है, विल पावर। आसानी से कहूँ तो जिद्दी बनो। दुनिया में कई ऐसे इंसान हैं, एग्जांपल से, जो आज अपनी जिद की वजह से बहुत ही सक्सेसफुल है और एक ग्रेट लाइफ जी रहे हैं। तो आज हम विल पावर से जुड़े ऐसे 3 प्रिंसिपल जो कि लाइफ में होने बहुत ही जरूरी है, और अपनी विल पावर या फिर कहे तो अपनी पागलपन वाली जिद से जुड़े कुछ रियल हीरोज की बात करेंगे। तो वीडियो शुरू करते हैं। आपका विल पावर ही है जो दिखाता है कि आप काम करने के लिए किस हद तक जा सकते हो। आपका विल पावर ही है जो दिखाता है कि काम को लेकर आप कितने पागल हो। लेकिन मैं यहाँ पे विल पावर के साथ कुछ और बात भी बोलना चाहूँगा। सिर्फ विल पावर आपको जिंदगी के सफर में बहुत आगे जाने के लिए मदद नहीं करेगी, क्योंकि विल पावर ज्यादातर टेम्पररी शॉर्ट टाइम के लिए ही रहती है। मान लो कि जब आपको आपके लाइफ की पहली जॉब मिलती है, तब आप सोचने लगते हो कि अब मुझे कोई नहीं रोक सकता, अब मैं ये गाड़ी ले लूंगा, मैं बहुत मेहनत करूंगा, मेरा प्रमोशन हो जाएगा। लेकिन जैसे ही जॉब में थोड़ा टाइम निकलता है, आप अपने कम्फर्ट जोन में चले जाते हैं, तब आप ही सोचते हो कि इस नौकरी में नई और महंगी गाड़ी लेना तो बहुत ही मुश्किल है, प्रमोशन होगा या नहीं ये भी कहना बहुत ही मुश्किल है। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आप अपनी कंफर्ट जोन में हो। बिना ज़्यादा मेहनत करे सैलरी आती रहती है, जिनसे लाइफ में आगे बढ़ने का, कुछ नया करने का सोचते ही नहीं। तो आपके दिमाग में यह सवाल ज़रूर उठा होगा कि विल पावर को परमानेंट कैसे करें। उसका सिर्फ एक ही उपाय है कि आपको आपके इमोशन को विल पावर के साथ कनेक्ट करना होगा। सोचो कि ज़िंदगी में क्या सपने हैं आपके, कितना पैसा चाहिए, कैसी लाइफ जीना चाहते हो। इमेजिन करो, पिक्चर बनाओ अपने दिमाग में, क्योंकि सुना हुआ भूल सकते हैं हम, हमारी सोच, नए विचार, दूसरों से करी हुई बातें भूल सकते हैं, लेकिन अपनी आंखों से देखा हुआ कभी नहीं भूलते। हर रोज उस पिक्चर को देखो जो आपने अपने दिमाग में सेव करी है, और अपना काम पूरे जोश के साथ करने लगो। अगर आप चाहते हो कि आपकी विल पावर कभी कम ना हो, तो इन 3 चीजों पर आपको बहुत ही ध्यान देना होगा। डिसिप्लिन, सेल्फ कंट्रोल और फोकस। पहले समझते हैं डिसिप्लिन। जो भी आप कर रहे हो, कभी कभी ऐसा वक्त आता है कि आपको लगता है कि यह काम नहीं चल रहा, तो थोड़े वक्त के लिए दूसरा कुछ कर लेते हैं, अगर ऐसा लगेगा इस काम में वापस चले आएंगे। अगर आपको यही ही काम करना है, तो एक गलती बिल्कुल भी मत करना। काम नहीं चला तो वो एक मौका है आपके लिए कुछ नया सीखने का। देखो, एक्सप्लोर करो, रिसर्च करो, क्या है जिनसे आपका काम नहीं चल रहा, कुछ चेंजेस करो, देखो उस पे क्या रिजल्ट मिलता है। यही वक्त होता है कुछ नया एक्सपेरिमेंट करने का। अब आते हैं सेल्फ कंट्रोल पे। कई बार जिंदगी में बहुत सारे रिजेक्शन का सामना करना पड़ता है। आप जो काम करना पसंद करते हो, पर लोग उस काम की सराहना नहीं करते, हमें सपोर्ट नहीं करते और नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। उस वक्त पे सिर्फ और सिर्फ आपका सेल्फ कंट्रोल ही होता है जो आपको उस पे टिके रहने के लिए प्रेरित करता है। तीसरा है फोकस। किसी भी काम की शुरुआत करते हो, तब उस पर फोकस करना थोड़ा कठिन लगता है, लेकिन आप उस काम को करते रहने से ऑटोमेटिकली फोकस आ जाता है। भले ही आपको उस काम करने की इच्छा ना हो, फिर भी उस काम को करते रहना, आपका फोकस लगने ही लगेगा। ऐसे ही कुछ विल पावर से भरपूर बहुत ही जिद्दी लोगों के बारे में आपको बताना चाहूँगा। अमिताभ बच्चन, जिनको ऑल इंडिया रेडियो वालों ने उसकी भारी आवाज़ की वजह से काम देने के लिए इनकार कर दिया था, और अमिताभ बच्चन ने मूवी करियर में एक के बाद एक 12 फिल्में फ्लॉप दी, लेकिन वो हारे नहीं, उसके काम पे टिके रहे, तब जाके उसकी मूवी जंजीर आई, जो इंडियन सिनेमा में बहुत ही बड़ी हिट साबित हुई, जिसको उसकी आवाज़ की वजह से रिजेक्ट किया गया था। उसके डायलॉग आज बड़े से लेकर छोटे बच्चे तक याद रखते हैं। ये चीज़ सिर्फ और सिर्फ उसका सेल्फ कंट्रोल और उसकी विल पावर की वजह से ही मुमकिन हो पाई। दशरथ मांझी, जो एक छोटे से गाँव का इंसान, जिसको कोई भी नहीं जानता था, लेकिन जब उसकी वाइफ की मौत एक पहाड़ की वजह से सही वक्त पे हॉस्पिटल ना पहुंचने से हुई, तब उसने ठान लिया, तब उसने जिद पकड़ ली कि चाहे कुछ भी हो जाए, ये पहाड़ तोड़कर ही रहूँगा। बिना रुके 22 साल तक उसने पहाड़ तोड़ा और वहाँ पर रास्ता बनाया। 55 किलोमीटर का रास्ता सिर्फ 15 किलोमीटर का कर दिया एक सिर्फ अकेले इंसान ने, जो आज एक माउंटेन मैन के नाम से जाने जाते हैं। यह मुमकिन हुआ सिर्फ और सिर्फ दशरथ मांझी की जिद की वजह से। एक और एक इंसान जिनसे मैं बहुत ही पर्सनली प्रेरित हुआ हूँ, वो है कोलोनिन सैंडर्स।
जिसको अपनी जिंदगी की पहली सक्सेस 60 साल की उम्र में मिली थी। कॉलोनेल सैंडर्स को 17 साल की उम्र में चार जगह से नौकरी से निकाला गया था। उसने चार साल तक बस कंडक्टर की भी नौकरी की। यह इंसान अपनी जिंदगी में 1009 बार इंटरव्यू में फेल हुआ था। जब किसी ने भी उसकी कदर नहीं की, तब उसने सोचा और एक जिद बना ली कि आज के बाद सब मेरी कदर करेंगे। उसने अपना खुद का रेस्टोरेंट खोला, KFC। आप सबने उस नाम को अच्छे से सुना होगा। दुनिया के सभी देशों में आज KFC का रेस्टोरेंट है। जिसके पास 60 साल की उम्र में खाने के लिए एक पैसा तक नहीं था, वो आज एक बिलियनर है। ये मुमकिन हो पाया सिर्फ और सिर्फ उसकी जिद की वजह से। तो दोस्तों, अगर आपको कुछ करने के लिए चाहत है तो उसे करने के लिए पागल बनो, विजन क्लियर करो और ठान लो कि ये करना ही करना है। मैं आशा करता हूँ कि आप सबको मेरी वीडियो बहुत ही पसंद आई हो। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो नेक्स्ट मोटिवेशनल और ऐसे ही इंस्पिरेशनल भरी बातें सुनने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें। अपनी फैमिली के साथ ये वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन को शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।